कंट्री है। आप कब रखा है, आपने किसके लिए रखा है? अगर कभी मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा चार्मफुल इंसान आए तो वो आर्मी ऑफिसर हो, सनातनी आर्मी ऑफिसर हो, उन्होंने मिट्टी को उठा करके इस ब्लॉग में। और जो करवा चौथ का पर्व मना रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैरोलिना, हाँ जी, करवा चौथ की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और व्यूअर्स को भी। व्यूअर्स को भी नमस्ते। व्रत रखते हैं वो भी अच्छा हस्बैंड की सलामती के लिए। इंडिया को पता नहीं क्यों लगता है कि हम लोग उनसे नफरत करते हैं, हालांकि एक्चुअल में ऐसा है। वी लव इंडिया और वी लव इंडियंस। वी लव भारत में कुछ लड़के भी रखते हैं सुकन्या के लिए जो कवाले होते हैं। अभी तो दुबई चले जाएंगे, दुबई में भी बहुत धूमधाम से करवा चौथ मनाया जा रहा है। लग ही नहीं रहा है कि वो पाकिस्तानी मूवीज या ड्रामास देखे ना, तो उसमें जो पाकिस्तानी मूवीज स्पेशली उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंडियन है। आप उनके लहंगे देखे और उनकी बाकी ड्रेसिंग देखे वो यहाँ तो बाहर की होंगी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले से पिछले कल जो वो करवा चौथ का त्यौहार भारत में मनाया गया और भारत की महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखे हुए थे और पूरी दुनिया में जो इसकी धूमधाम मची हुई थी और इसको काफी अच्छे तरीके से मनाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर जो मुस्लिम औरतों ने, यहाँ तक पाकिस्तान की औरतों ने भी, जो भी मुस्लिम औरतें हैं उन्होंने भी जो ये व्रत रखे, क्योंकि भारतीय संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इसी वजह से उन्होंने ये जो है व्रत रखे और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। दोस्तों ये देख के पाकिस्तानी कट्टरपंथी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वे कह रहे थे कि एक मुस्लिम महिला ऐसा व्रत क्यों रख सकती है, ये तो हिंदुओं का त्यौहार है और ये हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से जो इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज और खासकर पाकिस्तान जो है वो भारतीय त्यौहारों के पीछे खींचा चला आ रहा है और इस वक्त भारत के रीति रिवाजों को भी पूरी तरह से अपना चुके हैं, चाहे वे शादी में मेहंदी हो या फिर हल्दी लगाना, ये उनके कल्चर में नहीं है। लेकिन अब जो है वो हमारे हिंदू धर्म से उन्होंने इसको उठाया और अब इसको वे कर रहे हैं और ये देख के वे काफ़ी ज़्यादा हैरान है और वे कह रहे हैं कि हमें भारत की नकल करना बंद करनी होगी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी सनातनी हो जाएंगे और हम अपना धर्म जो है छोड़ देंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अब किसी देर की वीडियो को स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर कभी मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा चार्मफुल इंसान आए तो वो आर्मी ऑफिसर हो, सनातनी आर्मी ऑफिसर हो, तो भाई वो कहीं भी है, अभी तो इल्यूजन में है, अभी तो सपनों में है, तो कहीं भी हो पर वो आर्मी सनातनी ऑफिसर हो, तो इस चीज के लिए मैं रख लेती हूँ कि भाई तू कहीं भी है तू सलामत रहे क्योंकि देश की रक्षा कर रहा होगा। तो और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, बस भारत के लिए ये व्रत चला जाएगा और क्या, भारत की सलामत के लिए चला जाएगा। मैम आपको मिले इंशाल्लाह, विशेस बहुत ज्यादा होती है इंसान की और पूरी कम होती है, बट मेरी दुआ है कि आपकी विश पूरी हो। क्या वजूहत है कि आपको आर्मी सनातन ही पसंद है? सनातन इसलिए क्योंकि उसके दिल में जो सम्मान अपनी अर्धांगिनी अपनी धर्म पत्नी के लिए होता है वो मैंने मेरे धर्म में नहीं देखा है, नहीं देखा है। मैंने दो वर्ड का इस्तेमाल किया है, एक अर्धांगनी और एक धर्म पत्नी। अर्धांगनी मतलब आधा जिस्म, जिस्म का आधा हिस्सा, धर्म पत्नी जो धर्म से जुड़ी हुई है मेरे रिश्ते के साथ। तो सनातनी जो होते हैं वो अपनी वाइफ को अर्धांगनी या धर्म पत्नी कहते हैं। और हमारे यहाँ निकाह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक एमओयू होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे फैक्ट्रीज का होता है, जैसे बिजनेस का होता है, जैसे हाउस का एग्रीमेंट होता है, रेंटेड अपार्टमेंट का एग्रीमेंट होता है, उसी तरीके से हमारे इस्लाम धर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है, कभी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूट सकती है और यही हम देखते भी हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, मैंने अपनी मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैंने तलाक के केसेस देखे हैं और इतना उलझ गई थी, इतना पिस्ड ऑफ हो चुकी थी कि 2017 में मैंने सोचा कि तलाक ही बंद करवाती हूँ, ये जड़ी बंद करवा देती हूँ मैं। लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो कल की मैं न्यूज बता रही हूँ कि कानपुर की एक लड़की है, उसने अपना आईब्रो बना दिया, अपना आईब्रो शेप करवा लिया, थ्रेड करवा लिया है, तो सऊदीया से बैठे बैठे उसके हस्बैंड ने उसको फोन पे तलाक दे दिया। इंडिया जाने का शौक है? हाँ थोड़ा बहुत है। इंडिया की कौन सी जगह जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे?
बॉम्बे और दिल्ली। दिल्ली मुंबई जाना चाहूँगी और केरला बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, उधर शहर है, उधर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कोई ना कोई अच्छा लग ही जाएगा। ओके, वहाँ का कौन सा खाना जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? यार उनकी डिश है, वो नाम लेते होते हैं अक्सर, कुछ होता है क्या कुछ होता है पता नहीं क्या उनकी डिश का नाम है, लेकिन तो बहुत सारी डिश है उनकी, तो मोमोज भी हैं उसके अलावा उनका, और देसी उनकी कढ़ाइयाँ हैं, नहीं वो जो एक थाल में सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके देते हैं ना, पूरी पूरी टाइप नहीं, वो कुछ थाल सा होता है, कुछ थाल सा, मैं भी वहाँ पे जाके दिखा कर आई हूँ। फिर हम ये कहते हैं कमेंट सेक्शन में ना लोगों में बताएंगे वो क्या थाल सा है। वहाँ का खाना कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी डिश? मैंने वहाँ का एक पोहा सुना है, बहुत फेमस। पोहा बनता कैसे, आपने सुना तो अभी बनने की रेसिपी भी बताएं। चावल टाइप कुछ है, मैंने बहुत सुना है इसलिए मुझे बताया। मुझे वहाँ के मोमोज, बड़ा पाव और पाव भाजी बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ मेरी विश है कि मैं उधर जाके वो खाऊं। अच्छा, तो वो जो इंडिया का एक वो जो बहुत बड़ा थाल होता है जिसमें सारे डिफरेंट खाने होते हैं, वो भी खाना चाहेंगे फिर? जी जी, वो भी बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर उसकी दाल होती है, दाल मखनी होती है, पापड़ होता है, राइस होते हैं, जीरा राइस होते हैं, और क्या कहते हैं उनका, फिर मीठे में आ जाती है गुलाब जामुन, खीर आ गई। जी जी बिल्कुल, वो मुझे बहुत पसंद है। और उनका कल्चर जो है वो आपको कैसा लगता है? कल्चर अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग कर लेते हैं, वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, लेकिन वैसे ऑल दो अच्छा। उनकी जो होली वगैरह है वो आपको पसंद है? उनके हाँ होली पर उनकी कलर जो है बहुत खूबसूरत लगते हैं, होली बहुत अच्छी है जो वो होली खेलते हैं, अब तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया है, कॉलेजेस वगैरह में भी होली खेलते हैं, पूल पार्टीज में, और ये वो होली चलती है, और ये एक अच्छी उनकी वो है रसम है, अच्छी रसम है उनका, जो वो जो रखते हैं पूरा दिन का व्रत रखते हैं, वो भी अच्छा है हस्बैंड की सलामती के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे हुए थे, और ये देख के पाकिस्तानी कट्टरपंथी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वे हमेशा ये कहते हैं कि हमें जो किसी प्रकार के हिंदुओं के त्यौहार को जो है अपनाना नहीं चाहिए और उसे नहीं करना चाहिए, हमें काफिरों का खात्मा करना है, ना कि उनके जो है त्यौहारों को मनाना है। दोस्तों वे तो जरा से दिवाली में पटाखे भी फोड़ते हैं तो भी अपने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन इस बार बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम महिलाएँ, यहाँ तक कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मुस्लिम उन्होंने जो है वो व्रत रखा था, और भारतीय जो हमारी संस्कृति है इससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने जो और बाकी कल्चर को भी अपनाने धीरे धीरे लग पड़े हैं। दोस्तों इसी के साथ वेस्टर्न कंट्रीज में तो जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको मनाया जाता है, और वहाँ पे तो हिंदुनिज्म जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो इस्कॉन की मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।